हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन इन फॉर्मूले से बेस्ड होंगे। तो पहले हम इन फॉर्मूले को समझते हैं। तो फर्स्ट क्या है, अंडर रूट ए बी। तो उसका मतलब क्या है, ये जो अंडर रूट है ये इस ए पर भी होता है और इस बी पर भी होता है। ओके, अंडर रूट अगर दो नंबर हैं, दोनों पूरे पर अगर अंडर रूट है या स्क्वायर रूट कह दो, तो ये दोनों पर अलग अलग होता है। सेकेंड, अंडर रूट ए अपॉन बी, इसका मतलब ये ए का भी रूट अलग है और बी का रूट अलग है, ये दोनों पर अलग अलग माना जाता है। थर्ड है अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ये क्या होता है हमारा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ये इस फॉर्मूले से मैच तो कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, लेकिन स्क्वायर जो है वो रूट को काट देता है। ये आपका बनता है यहाँ पर रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और जो पावर टू है ना वो रूट को हमेशा कैंसिल कर देती है, जो पावर टू है वो रूट को कैंसिल कर देगी। तो क्या बचा, ए माइनस बी, जो कि ए माइनस बी इक्वल टू में इसके आंसर आएगा। नेक्स्ट है ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो सिंपल हो जाएगा, बी क्या है, बी के ऊपर क्या है रूट, तो बी का स्क्वायर यानी कि रूट, ये जो पावर टू है ये रूट को कैंसिल कर देगी। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एज इट इज माइनस ये पावर टू रूट को कैंसिल करेगा, तो बचेगा बी, ए स्क्वायर माइनस बी के। नेक्स्ट इसमें है रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर ये रूट रूट ए, क्योंकि ये ए है तो हमारा रूट ए होना चाहिए यहाँ पर, और पहले क्या होता है रूट ए का स्क्वायर, और जो स्क्वायर जो है मैंने बताया था ये रूट को काट देता है, तो ए ही बचेगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी रूट है स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर जो रूट को काट देता है तो बी ही बचेगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट, इफ़ द बेस इज सेम देन पावर मस्ट बी एडेड। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, तो उनकी पावर हमेशा ऐड होती है, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। नेक्स्ट, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है फ्रैक्शन, तो उनकी पावर हमेशा माइनस होती हैं। नेक्स्ट, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई होगी पावर। बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो बेस इनटू होते हैं, पावर कॉमन हो जाती है। नेक्स्ट, किसी भी नंबर की अगर पावर ज़ीरो है तो उसका आंसर हमेशा वन ही आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइव प्लस रूट सेवन ब्रैकेट में, फिर ये है टू प्लस रूट फाइव। हमें इसे सॉल्व करना है। ये हमारा बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो अगर कोई फॉर्मूला नहीं बनता तो कैसे करते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा इस टू से पहले, फिर यही नंबर रूट फाइव से मल्टीप्लाई होता है। रूट सेवन ये होगा टू से मल्टीप्लाई, फिर रूट सेवन होगा इस रूट फाइव से मल्टीप्लाई। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या करना है, पहले फाइव हम करेंगे टू से मल्टीप्लाई, प्लस फाइव होगा रूट फाइव से मल्टीप्लाई। यहाँ क्या है प्लस, ठीक है, फिर रूट सेवन के बारे, रूट सेवन होगा टू से मल्टीप्लाई, फिर रूट सेवन होगा रूट फाइव से मल्टीप्लाई। तो फाइव टू जा टेन, प्लस फाइव इंटू रूट फाइव मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो ये फाइव और रूट फाइव एज इट इज़ ऐसे लिखा जाएगा, प्लस सेवन, रूट सेवन और टू मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो उसको हम लिखेंगे टू रूट सेवन, ये मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। आप रूट वाले पीछे लिखा करो, नंबर आगे, प्लस रूट सेवन है और रूट फाइव है, दोनों रूट में है तो इनटू हो सकते हैं, यानी कितना आएगा रूट थर्टी फाइव। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव प्लस रूट फाइव, फाइव माइनस रूट फाइव। तो पहला काम क्या है, कोई फॉर्मूला बनता है, बिल्कुल बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए होगा हमारा फाइव और बी होगा हमारा रूट फाइव, ए होगा फाइव बी होगा रूट फाइव। तो ये ए प्लस बी इससे मैच होता है, ए माइनस बी इससे मैच होता है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए भी हमारे पास, बी भी हमारे पास, लगाते हैं फॉर्मूला, ए का स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर। तो फाइव का स्क्वायर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, फाइव की पावर टू मतलब फाइव टू जा टेन लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है,
अब मेरे को 2 की पावर 3, विच मीन्स 2 जो है 3 टाइम्स खुलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 4, 4 से 8। सिमिलरली तो यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मतलब 5 होगा 2 बार मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5, 5 5 25। माइनस ये 2 जो है रूट को काट देता है, तो क्या बचा 5 विच इज़ 20। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 + √7² तो ये हमारी बनती है एक आइडेंटिटी, कौन सी, a + b² विच इज़ a² + 2ab + b². तो यहाँ आपको क्या लिखना है कि a क्या है, ये होता है हमारा ये √3, b क्या है, b हमारा √7। तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा a² a क्या है √3, यानी कि √3² प्लस 2, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई a कितना है √3, मल्टीप्लाई b इज़ √7 प्लस बी का स्क्वायर, बी है √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को काट देगा, क्या बचेगा 3 प्लस रूट की वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई हो, √7 √3 √21 प्लस ये 2, इस रूट को कट कर देगी तो आएगा 7। अब देखते हैं ये एक 7, अब देखिए ये एक 7 है और एक 3 है, दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट नंबर है, यानी कि इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, तो 7 + 3 इज़ 10। क्योंकि इसके साथ ये नंबर है रूट में, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, बस ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइज, तो रेशनलाइज में क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, यानी कि आपको इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, जो भी नीचे नंबर होता है हम उसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से यहाँ करिए मल्टीप्लाई, √3 से यहाँ करिए मल्टीप्लाई, तो √3 बन जा √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √9, √3 मल्टीप्लाई √3 √9, 3 3 9। आपको पता होगा कि √9 क्या होता है, √9 का आंसर 3 होता है, क्योंकि 3 वो नंबर है जिसको दो बार करने पे 9 आता है, 3 3 9, तो √9 को हम क्या लिखेंगे 3, तो इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, 1/2 + √3, तो इसे करेंगे रेशनलाइज, तो उसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बट लेकिन क्या होता है जो साइन होता है ना बीच में वो हमेशा चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी और नीचे भी, अगर इनकेस यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों तरफ क्या होगा प्लस, अब यहाँ क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ दोनों तरफ क्या होगा माइनस। अब ये 2 - √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - √3 रहेगा सेम, किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम आता है, लेकिन यहाँ हमारा क्या बन रहा है फॉर्मूला, कैसे देखिए a + b, और ये क्या है मल्टीप्लाई में ना, a + b multiply a - b विच इज़ a² - b², यानी कि यहाँ लग रहा है फॉर्मूला a + b a - b = a² - b², तो a इसमें क्या होगा, a होगा हमारा 2 और b क्या होगा √3, तो फॉर्मूला क्या होता है a² - b², a² यानी कि 2 का स्क्वायर, ए हमारा यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है हमारा इसमें √3, तो √3 का स्क्वायर, तो ऊपर तो रहेगा सेम 2 - √3, नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इज़ 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को यानी कि दो बार खोलना है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, माइनस जो 2 है ये रूट को काट देगा तो यहाँ बचेगा 3, 2 - √3 एज इट इज़, 4 - 3 इज़ 1, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में क्या करना है, लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन 36 की होल की पावर 1/2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसमें पहले ये देखना है कि यहाँ 2 है, यानी कि इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि पावर 2 ही आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 2 हो और उसको खोलने पर 36 आए, अगर मैं लिखूँ 6 × 6, 6 × 6 खोल सकते हैं उसको तभी 36 आएगा, अब इसको मैं 6 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 2 क्यों, क्योंकि मैं इसको दो बार ओपन किया है, 6 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में ये मेरा था ही क्वेश्चन में, जिस 2 कट गया 6 का आंसर। नेक्स्ट इज 32 होल की पावर 1/5, यानी कि अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसको 5 बार ओपन करने पर ये नंबर आता हो, तो इसको तरीका करने का क्या है, आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, आप 32 के फैक्टर कर सकते हैं, तो ये 2 पे जाएगा, इवन है, फिर से 2 पे जाएगा, अगेन 2, 2,
तो अब देखें 32 के फैक्टर करने पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जो है वो 5 बार ओपन होगा। 2 को अगर हम 5 बार ओपन करेंगे यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो हमारा क्या आएगा 32। तो ये 32 ऐसे ओपन हो गया, मल्टीप्लाई 1/5 क्वेश्चन में दिया हुआ था। चल 5 से 5 कैंसिल और 2 की पावर 1 इज़ 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, 23 की पावर 10, 23 की पावर 7। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारी इक्वेशन है ये इस फॉर्मूले से मैच करती है, a की पावर p, a की पावर q। a और a सेम है, मतलब 23 23 a है सेम है, क्योंकि तो a की वैल्यू क्या होगी 23, p क्या हो गया 10, q क्या हो गया 7। तो ये इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो वैल्यू डालते हैं, a कितना है 23, p कितना है, p है 10, माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगाया है, q है 7। तो 23 और 10 माइनस 7 इज 3। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 7 की पावर 3 × 9 की पावर 3, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ये एक फॉर्मूला है, कौन सा, a की पावर p इंटू b की पावर p इज इक्वल टू ए बी होल की पावर p, मतलब a और b अलग अलग हैं, यानी कि ये दो नंबर अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग है, लेकिन पावर क्या है p, यानी कि सेम है पावर, यहाँ सेम है हमारी 3 3। तो उसमें a क्या होगा मेरा 7, कॉमा b कितना होगा, a ये 7 हो गया, b हो गया 9, और पावर है p विच इज़ कॉमन क्या है 3 3, यानी कि पावर क्या होगी 3। तो ये फॉर्मूले का आंसर जो आएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा इस फॉर्म में, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए है 7 मल्टीप्लाई बी है हमारा 9, और पावर क्या है कि कॉमन विच इज़ पी, पी इसमें क्या है हमारा 3, 7 9 63 इसकी पावर 3। आपको इसमें सारी आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।